पश्चिमी दीवार पर हिंदू आर्किटेक्चर है जिसमें घंटी से लेकर ब्रह्म कमल है, तो क्या ये प्रमाण काफी नहीं है ये बताने के लिए कि वहां पर कम से कम वीडियोग्राफी हो? सच सामने आए तो फिर वीडियोग्राफी से क्यों पीछे हटना? दोनों पर आपका जवाब। सच नहीं, देखिए जब भारत की संसद में ये फैसला ले लिया गया 1991 में कि सच ये रहेगा कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी रिलीजियस जगहें हैं उनको उनके नेचर को और कैरेक्टर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा, ये सच है। इस सच को हमको मानना पड़ेगा। अब कोई आकर बोलेगा कि नहीं मेरा सच सही है, पार्लियामेंट का 91 का सच झूठ है, तो फिर वो पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ बात कर रहा है। तो सच डिसाइड हो चुका है, अब झूठ की तहकीक होनी चाहिए, सच्चाई की तहकीक नहीं हो सकती। सच्चाई यही है कि 15 अगस्त को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उन वो जू के तू रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन यहां पर तो पेटिशनर 5 महिलाएं हैं सर, वो कोर्ट में गई, उन्होंने कहा कि श्रृंगार गौरी माता का कि हम पूजा करना चाहते हैं, 92 से पहले वो रोज करती थी, 92 के बाद उस पर रोक लगा दी गई, अब सिर्फ साल में एक बार उन्हें पूजा करने की इजाजत दी जाती है। वो तो बाकायदा माता श्रृंगार गौरी की जाकर वहां साल में एक दिन पूजा करती है, ये भी एक सच है वैसी साहब? तो देखिए जो सच है वो सच रहेगा, आप एडिशनल कोई काम नहीं कर सकते। जो 91 के एक्ट ने कह दिया उसको मानना पड़ेगा सबको। दूसरी बात यह है कि यही लोग जो पेटिशनर्स हैं इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंदौर भी गए, इंदौर में भी उन्होंने किया, मथुरा में भी एक पेटिशन डाल दी गई, अब तो कुतुब मीनार के का नाम बदल दो, ताजमहल यही देखिए, अब ताजमहल के नीचे आपने कहा कि खोलो तो वहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि अब तुम हमारे चेंबर में आकर खोलने की बात करेंगे। जब एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर ये है और लोअर कोर्ट ये कैसे कह सकता है, बताइए आप मेरे को। नहीं लेकिन मथुरा वाले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सर, मथुरा में तो कोर्ट ने सीधा सीधा कहा, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का लखनऊ बेंच है उसने मथुरा कोर्ट को कहा है कि 4 महीने में सुनवाई खत्म कीजिए, तमाम मुकदमों को क्लब कीजिए, अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड डिले टैक्टिक्स अपनाता है, नहीं आते हैं तो एक पक्षीय फैसला सुनाइए। वहां पर भी तो हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है ऐसे मामलों को लटकाने के खिलाफ। हाँ हाँ, मगर हाईकोर्ट ने तो ये नहीं कहा ना कि 91 के एक्ट का वायोलेशन कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका वायोलेशन कर दीजिए। जब 91 का एक्ट बन चुका है तो उसी पर फैसला आना चाहिए और आएगा भी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है मथुरा में भी। आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी, हाँ ये अलग बात है कि देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि नहीं मेरी आस्था इंपॉर्टेंट है, मेरे पास 300 एमपी है लोकसभा में, मैं राज्यसभा मेजोरिटी में 91 के एक्ट को ही खत्म कर दूंगा, तो अलग बात है। मगर जब तक एक्ट रहेगा, एक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस के नेचर को और कैरेक्टर को तब्दील किया जाए। अगर आस्था की बुनियाद पर होगा तो लेकिन फिर अगर अगर ओरिजिनल कैरेक्टर तो देश फिर अगर ओरिजिनल कैरेक्टर मंदिर का हो तब क्या होगा? अगर ये साबित हो जाए कि मंदिर के अवशेषों पर जो अभी तक जानकारी आई है, जो पहले दिन की वीडियोग्राफी हुई, जो पश्चिमी दीवार है वो मंदिर की दीवार है, जो उनका दावा है, अभी दावों के बना पर मैं बात कर रही हूँ, आप भी वैसे ही कर रहे होंगे, लेकिन उनका ये दावा है कि जो कैरेक्टर है वो मंदिर का है, जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो मंदिर का है जहां पर इस वक्त ये मस्जिद है। नहीं है, नहीं नहीं मैडम प्लीज समझिए, नहीं है। 91 के एक्ट ने डिसाइड कर दिया कि वो मस्जिद है, थी और रहेगी, खत्म, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। अगर कोई ये कहेगा तो फिर कल जाके कोई हाजी अली की दरगाह में कह देगा। ताजमहल के ताल्लुक से तो कह चुके हैं कि वो ताजमहल नहीं मंदिर था, कुतुब मीनार के ताल्लुक से कह चुके हैं, कहां खत्म होगा? आप कानून को मानिए और मानना पड़ेगा। जब तक 91 का एक्ट है, आप 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और रहेगी, उसको नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता, ना चेंज होगा वो। मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, दूसरी मस्जिद को नहीं खोना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि धोखे से रात के अंधेरे में 1948 दिसंबर में मूर्तियां रखी गई। सुनिए सुनिए मैडम, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब कंप्यूटर नहीं था, आपने 25-30 पेज का ऑर्डर दे दिया। मैडम मुझे मुकम्मल करने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को आपने तहखुन दिया, मुकम्मल की सुप्रीम कोर्ट को आपने तहखुन दिया कि बाबरी मस्जिद को
डेमोलिश नहीं करेंगे, आपने डेमोलिश कर दिया और किसी को सजा नहीं होती। मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, अब मैं ये दिल फरेब और दिल नशीन बातों का शिकार नहीं हूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट का एक्ट है, उसको फॉलो करिए आप।